हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इंडस्ट्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग बात करेंगे हैवेल्स इंडिया के बारे में। हैवेल्स इंडिया 1088 रुपये पर क्लोजिंग दिया है, और अगर इसके रिटर्न प्रोफाइल को चेक करें तो ये ईयर टू डेट तकरीबन 19% का शानदार रिटर्न दिया है। वहीं पर पिछले एक साल में 84% का शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में ये 94% का शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में 202% का शानदार रिटर्न दिया है, और पिछले 10 साल में तकरीबन 1300% का रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दिया है। ये दोस्तों, इसके सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन की बात है, इसके अलावा ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, जिसकी गणना इसमें हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग क्या पा रहे हैं दोस्तों, कि ये 5 साल में इस स्टॉक ने अपने निवेशकों का पैसा 3 गुना मल्टीप्लाई किया है, तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और 10 साल में इसने अपने निवेशकों का पैसा 14 गुना से मल्टीप्लाई किया है। तो इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों मल्टी बैगर स्टॉक, जो कि लंबे समय में काफ़ी तगड़ा रिटर्न देता है, और ऐसे ही स्टॉक को हम लोग मल्टी बैगर बोलते हैं। और दोस्तों, कोई भी स्टॉक ऐसे ही मल्टी बैगर नहीं हो जाता है, उसके फंडामेंटल्स मजबूत होते हैं, और हर साल उसके फंडामेंटल्स मजबूत देखने को मिलते हैं। कंपनी कंसिस्टेंट अपने बिजनेस को ग्रो कर पाती है, कंसिस्टेंट अपने नेट प्रॉफिट को निकाल पाती है, उसके मार्जिन अच्छे देखने को मिलते हैं, डेट बर्डन लोअर लेवल पर देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार की कंपनियाँ आपको मल्टी बैगर होते हुए देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हैवेल्स इंडिया, जिसने अभी तक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को, क्या ये आने वाले समय में भी मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है अपने निवेशकों को। तो हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे और ये समझेंगे कि शॉर्ट टर्म में इसके टारगेट कैसे देखने को मिल सकते हैं, और ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम लोग इस शेयर को किस भाव पर ट्रेड करता हुआ देख पाएंगे, इसकी गणना हम लोग इस इंटरेस्टिंग और एनालिटिकल वीडियो के जरिए करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग ये चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस प्रकार के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो एक लेमैन की भाषा में, एक आम आदमी की भाषा में लगातार लेकर के आता रहता हूं, और रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप व्यूअर्स के साथ अपनी जानकारी शेयर करता रहता हूं। तो दोस्तों, अब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हैवेल्स इंडिया के टेक्निकल चार्ट को एक बार देखते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। तो स्क्रीन पर दोस्तों हम लोग हैवेल्स इंडिया के मंथली चार्ट को देख रहे हैं, और यहाँ पर ये रेड वाली लाइन है दोस्तों, ये 200 डेज एमा है, येलो वाली लाइन 100 डेज एमा है, ग्रीन वाली 50 डेज एमा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हैवेल्स इंडिया का शेयर प्राइस अपने तीनों ही इंडिकेटर से काफ़ी ऊपर जा कर के ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि करंट पोजिशन में ये काफ़ी बुलिश ट्रेंड में है। और अगर ओवर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय की बात करें, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या स्थिति बन रही है। एक शेयर लगातार हायर हाई हायर लो बनाता हुआ चल रहा है, और ये काफ़ी बुलिश फेज में है। तो इसके चार्ट से ही पता चलता है दोस्तों कि इस शेयर के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और इसी वजह से इसने अपने निवेशकों को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है लंबे समय में। तो अब हम लोग इसके जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं उसको एक बार चेक कर लेते हैं, वो कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो हैवेल्स इंडिया का मार्केट कैप तकरीबन 68,000 करोड़ देखने को मिल रहा है, तो ये लार्ज कैप ग्रुप में आती है दोस्तों। वहीं इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये 21.2% देखने को मिल रही है, जो काफ़ी बेहतरीन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.2%, बहुत ही बेहतरीन। डेट इक्विटी 0.1, यानी कि इसके ऊपर नेग्लिजिबल डेट है दोस्तों। प्रमोटर्स की होल्डिंग 59.5%, बेहतरीन है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये 16.3 टाइम्स देखने को मिल रहा है।
वहीं पर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये 0.6% देखने को मिल रहा है, और इस स्टॉक के 52 वीक लो 568 रुपीज देखने को मिल रहे हैं, वहीं 52 वीक हाई 1238 रुपीज देखने को मिल रहे हैं। तो ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हम लोग इसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से दोस्तों यही समझ पा रहे हैं कि इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं, ऐसा इसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं। तो अब आते हैं दोस्तों कि ये कंपनी लंबे समय में किस प्रकार से अपने नेट प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ की है और इसके शेयर भाव किस प्रकार से बदले हैं उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनके जो सेल्स ग्रोथ है दोस्तों लास्ट 10 इयर्स में 7% CAGR के रेट से हम लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं, वहीं पर इनके लास्ट 10 इयर्स में प्रॉफिट ग्रोथ 13% CAGR के रेट से हम लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं, जो काफ़ी बेहतरीन है। और इसके स्टॉक प्राइस लास्ट 10 इयर्स में 31% CAGR के रेट से हम लोगों ने बढ़ते हुए देखे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि लास्ट 5 ईयर्स में क्या स्थिति है, तो लास्ट 5 ईयर्स में ये 7% CAGR के रेट से अपने सेल्स को ग्रो कर पाई है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 10 ईयर्स और 5 ईयर्स में इनके सेल्स ग्रोथ और सेम देखने को मिल रहे हैं, वहीं पर इनके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में हम लोगों को 1% का यहाँ पर डिग्रोथ देखने को मिल रहा है, और वहीं पर इनके स्टॉक प्राइस लास्ट 5 ईयर्स में 24% CAGR के रेट से हम लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि लास्ट 3 ईयर्स में क्या हुआ, तो लास्ट 3 ईयर्स में इनके सेल्स ग्रो किए हैं 9% CAGR के रेट से। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि ये कंपनी अपने 10 ईयर्स के एवरेज सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा ये ग्रो कर रही है लास्ट 3 ईयर्स में, यानी कि इनका जो प्रदर्शन है बिजनेस ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, इसमें 2% की बढ़ोतरी होते हुए हम लोग देख रहे हैं। वहीं पर इनके प्रॉफिट ग्रोथ में भी हम लोगों को तकरीबन 3% का इजाफा होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पर इनके शेयर प्राइस 25% CAGR के रेट से हम लोगों ने बढ़ते हुए देखे हैं। अब आते हैं दोस्तों ट्रेलिंग 12 मंथ के आधार पर बोलें तो इनके सेल्स ग्रोथ 11% हो गए हैं बढ़ करके, वहीं पर इनके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 36% होते हुए हम लोग देख रहे हैं, यानी कि ये कंपनी हाई ग्रोथ फेज में जा चुकी है और इसी वजह से इसके जो शेयर भाव हैं पिछले एक साल में 85% CAGR के रेट से हम लोग बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो हम लोग ये बोलें दोस्तों कि ऑन एवरेज ये कंपनी के जो बिजनेस हैं वो काफ़ी अच्छे ढंग से ग्रो कर रहे हैं, इनके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे ढंग से ग्रो कर रहे हैं, और इनके जो स्टॉक प्राइस हैं हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 25% CAGR के रेट से ये एवरेज ग्रो किए हैं। तो इस फिगर को दोस्तों आप याद रखिएगा कि इनके स्टॉक प्राइस 25% CAGR के रेट से बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आगे क्या हो सकता है, अगर कंपनी इसी ढंग से ग्रो करती है तो इसके शेयर भाव कहाँ तक जा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को लमसम कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, और अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हैवेल्स इंडिया के जो शेयर भाव हैं वो तकरीबन 1100 रुपये के आसपास चल रहे हैं, तो हम लोग एक शेयर का दाम 1100 रुपये रख लेते हैं। और हम लोग देखे थे अभी कि इनके शेयर भाव 25% CAGR के रेट से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर हम लोग 25% कर लेते हैं, कंजर्वेटिव, काफ़ी कंजर्वेटिव हम लोगों ने रेट ऑफ रिटर्न लिया है। अब जो टाइम पीरियड है दोस्तों ये हम लोग 10 इयर्स का ले लिए, तो 10 इयर्स में एक शेयर का भाव जो है वो जो निकल करके आ रहा है वो कितना निकल करके आ रहा है, ये तकरीबन 10,000। तो हम लोगों ने अगर कंजर्वेटिव भी लिया हैवेल्स इंडिया के शेयर भाव की 25% से हर साल बढ़ेंगे तो 10 साल में इसके एक शेयर का भाव 10,000 रुपये निकल करके सामने आ रहा है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि 15 साल में इसके शेयर भाव कहां तक जाते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो हम लोग ये टाइम स्पैन को 15 ईयर्स कर लिए। अब जो दोस्तों भाव निकल करके आ रहा है
ये 31,000 निकल कर के आ रहा है आपके सामने, तो आप समझ सकते हैं कि हैवेल्स इंडिया जो कि पिछले 10 सालों में काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है, न केवल अपने सेल्स को ग्रो की है, प्रॉफिट भी काफ़ी ग्रो की है, ये काफ़ी तगड़ा रिटर्न देने की क्षमता रखता है अगले 10 से 15 सालों में। अब बात करते हैं दोस्तों कि प्रेजेंट में ये क्या रिटर्न दे सकता है हम निवेशकों को, तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगा रखे हैं दोस्तों, और जो इमीडिएट रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है हैवेल्स इंडिया में वो तकरीबन 1,228 रुपीज़ देखने को मिल रहा है, और ये शेयर जब भी इस स्तर को छुएगा तो इसे काफ़ी रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि इसके जो क्वार्टर वन के नतीजे जो कि 22 तारीख को आने वाले हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, और ये शेयर जल्द ही हम लोगों को 1,228 के लेवल को तोड़ करके ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, और जो इमीडिएट टारगेट निकल करके आ रहा है सामने वो तकरीबन 1900 रुपये देखने को मिल रहा है, तो हम लोग ये जरूर उम्मीद करेंगे कि आने वाले 1 से 1.5 साल में हैवेल्स इंडिया का शेयर भाव हम लोगों को 1900 रुपये के पार जाता हुआ देखने को मिल सकता है, ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में ये देखा कि हैवेल्स इंडिया काफ़ी मजबूत फंडामेंटल वाली स्टॉक है, और इसके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, और ये काफ़ी हायर लेवल में जा कर के ट्रेड करने की क्षमता रखता है, ऐसा हम लोगों ने एनालाइज करके अभी जस्ट ही निकाला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपकी भी राय हैवेल्स इंडिया के ऊपर कुछ होगी तो आप मेरे कॉमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर कॉमेंट करेंगे, और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।